राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सख्ती भी बढ़ती जा रही है। रविवार को नए कंटेनमेंट जोन का ऐलान हुआ, जिसके साथ ही अब इनकी संख्या 43 हो गई है, जिसमें गांधी पार्क, संगम विहार, सहजानावास सोसाइटी, बंगाली कॉलोनी, महावीर एनक्लेव, निजामुद्दीन पश्चिम, जाकिर नगर की गली नंबर 18 से 22, खड्डा कॉलोनी, मदनपुर खादर, अबू फजल एनक्लेव, ईस्ट ऑफ कैलाश, शेरा मोहल्ला, बी ब्लॉक जहांगीरपुरी, कल्याणपुरी, मनसारा अपार्टमेंट, खिचड़ीपुर की 3 गलियां, पांडव नगर, मयूर विहार फेज 1, पड़पड़गंज, किशन कुंज एक्सटेंशन, पश्चिम विनोद नगर, बंगाली मार्केट, बाबर रोड, सदर बाजार, चांदनी महल शामिल है। बता दें, संक्रमण जोन का मतलब है कि उस इलाके के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। इस दौरान जरूरी सामान भी घर तक पहुंचाने की सुविधा मिलती है। दिल्ली के जाकिर नगर में स्ट्रीट नंबर 18 को कोविड-19 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, वहीं बाकी जाकिर नगर को बफर जोन घोषित किया गया। बता दें, इन सभी जगहों पर अधिक कोरोना मामले पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। दिल्ली में कुल 1154 कोरोना केस सामने आ गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 24 हो चुका है। देश में कोरोना पीड़ितों की तादाद 9000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मरीजों की संख्या 9152 जबकि मृतकों की संख्या 308 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 35 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 705 और लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने से पूर्व संख्या देश में 606 थी तथा 25 मार्च के बाद 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 12 अप्रैल को कोरोना रोगियों की संख्या 8444 तक पहुंच गई थी, लेकिन दैनिक वृद्धि दर 17% घटकर 12.4% की करीब है। वहीं यदि रोगियों की संख्या को यदि देखा जाए तो 13000% का इजाफा हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है।